गोरखपुर जिले के चौरी चौरा के बैकुंठपुर में रविवार की सुबह झाड़ फूंक करने व कराने आई दो महिलाओं पर बदमाशों ने चाकू व हथौड़े से हमला कर दिया, जिसमें झाड़ फूंक करने वाली महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती दूसरी महिला की हालत गंभीर है। फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे SSP गौरव गुरुवर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। CC कैमरा फुटेज व सर्विलांस की मदद से बदमाशों के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। आपको बता दें कि गोरखपुर के खजनी इलाके की रहने वाली महिला शनिकेशा का बैकुंठपुर गांव में रिश्तेदारी है। आज वह झाड़ फूंक करने वाली बैकुंठपुर की महिला उषा के पास आई थी। उषा गांव के बाहर मजार के पास झाड़ फूंक करती है। रविवार और मंगलवार को आसपास के लोग यहां आते हैं। आज सुबह 7 बजे दोनों महिलाएं मजार के पास बैठी थीं। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक पहुंचे। कुछ देर बातचीत होने के बाद हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान आरोपित ने हथौड़ा व धारदार हथियार से उषा व शनिकेशा के ऊपर हमला कर दिया। सिर व गर्दन के पास गंभीर चोट लगने से उषा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। चीख पुकार सुनकर गांव के लोग पहुंचे। इससे पहले ही आरोपित फरार हो गए। वहीं इस संबंध में SSP डॉक्टर गौरव गुरुवर ने कहा कि सर्विलांस व CCTV कैमरे की मदद से आरोपितों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव गुरुवर ने कहा, एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 50 वर्षीय महिला उषा देवी जो गांव के ही बाहर एक टीन शेड नुमा स्ट्रक्चर में काफ़ी समय से यहां पर पूजा पाठ का और इलाज करने का काम करती थी, जो नियमित रूप से यहां पर आती थी। आज सुबह भी वो एक गांव से संबंधित एक और महिला के साथ यहां पर आई थी। काफ़ी समय बाद जब कोई और व्यक्ति यहां पर किसी काम से आया तो उसके द्वारा देखा गया कि जो उषा देवी हैं उनकी बॉडी पर घाव है, उनका रिसाव हुआ है और एक दूसरी महिला के साथ में उनके भी बॉडी पर चोट है। दोनों को यहाँ से इलाज के लिए शिफ्ट किया गया। जो उषा देवी हैं उनको डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। तो दूसरी महिला है जो गांव में ही अपनी रिश्तेदारी में आई हुई थी, वो इस समय पर उनका इलाज BRD में चल रहा है, डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं। जो घटनास्थल पर निरीक्षण हमारे द्वारा सभी अधिकारियों द्वारा किया गया है, फॉरेंसिक टीम द्वारा अहम साहब छठे किए गए हैं, इनके परिजनों के साथ विस्तृत वार्ता हुई है। कुछ जानकारियां, प्राथमिक जानकारियां हम लोगों को प्राप्त हुई हैं।